हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एसईआरटी सॉल्यूशन का हम क्लास 7 का कर रहे थे इंटीजर्स चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर 1 है इंटीजर्स का, जिसका हमने ओवरव्यू देखा था। हमने पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जिसमें ए बी और सी पार्ट थे। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे आपका टू क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, 2 का ए पार्ट। राइट अ पेयर ऑफ इन नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। फिर दूसरा है आपका बी नंबर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। थर्ड नंबर है, राइट अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। तो एक एक करके हम तीनों सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला देखिए सम क्या दिया है, राइट अ पेयर, पेयर यानी जोड़े में, ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। कह रहा है कि पेयर में होना चाहिए, दो होना चाहिए, दो हम लेकर डिफरेंस यानी यहाँ पे माइनस करना है और उसका हमारा क्या निकलना चाहिए, 8 निकलना चाहिए। दो पेयर हमें ऐसे लेने हैं जिसको घटाने पर हमारा आंसर 8 आए, ये कह रहा है आपका पहला नंबर सवाल। तो चलिए फर्स्ट नंबर सम हम सॉल्व करते हैं। 2 का ए क्या था, राइट अ पेयर नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें दो पेयर्स लेने हैं नेगेटिव इंटीजर्स के, जिसको घटाने के बाद हमारा 8 आना चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक पहला नेगेटिव इंटीजर्स लिया, अगर ऐसे देखा जाए कि 8, अगर बोले कि 8 कितना घटाने पर आएगा, अगर आप सिंपली बोला जाए समझाने के तरीके, ताकि आप गड़बड़ ना करो स्टूडेंट्स, तो अगर हम में से कोई पूछे कि कितना से कितना घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें 16 - 8 करते हैं तो 8 आ जाता है। देखा जो 16 - 8 करने पे 8 आ जाएगा, 9 - 1 करने पे भी 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आपको नेगेटिव इंटीजर्स ले, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया कि हमारा आगे माइनस होना चाहिए, दोनों के आगे एक माइनस होना चाहिए ऐसे, इस तरह से, यानी कि इस तरह से इसके आगे भी माइनस और इसके दो साथ दो एक जैसे निशान एक साथ नहीं, यानी कि इस तरह से -16 - -8 इस तरह से इंटीजर्स लेंगे तो हमारा 8 आना चाहिए। तो क्या हम इसे देखें 8 आ रहा है, एक बार करके देखते हैं। -16 है, ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, सॉरी ये माइनस में है, 16 माइनस में है, और ये तो पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, -16 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो गया आपका, +8 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है, प्लस माइनस माइनस होने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, 8 तो आ गया आंसर। अब एक चीज़ देखिए क्या होता है, जो बड़ी संख्या का निशान रहता है वो हमारा लगाया जाता है, यहाँ पे 16 के आगे माइनस का निशान है तो हमने यहाँ पे माइनस तो लगा दिया। तो क्या हमारा आंसर -8 में दिया था, नहीं, सिर्फ हमारा आंसर प्लस में दिया था, हमारा आंसर पॉजिटिव में था, तो हमें आंसर पॉजिटिव में लाना है। तो ये हमारा आंसर तो आ गया लेकिन माइनस होने की वजह से ये हमारा रॉन्ग है, तो ये हम नहीं लिख सकते, यानी ये हमारा पेयर का इंटीजर्स नहीं है। तो हम कैसे करेंगे कि हमारा प्लस में आंसर है, उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे -16 लिया तो हमारा आंसर, तो इसको घुमा के देखते हैं, क्योंकि कोशिश तो आप ही को करना है, इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या पहले लिखा था, -16 लिखा था, अब हम यहाँ पर -8 लिख के देखते हैं पहले, और फिर हम क्या करते हैं, -8 माइनस तो हमें करना है क्योंकि डिफरेंस बोला, डिफरेंस यानी माइनस होता है, और हम एक और ले रहे हैं 16, -16 इधर ले रहे हैं, हमारे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में होने चाहिए, तो नेगेटिव -8 और -16, माइनस का निशान तो पहले से दे रखा है, डिफरेंस निकालना है इसलिए हमने माइनस, फिर से सुनिए एक बार, हमें यहाँ पे पेयर्स लेने हैं, क्या नेगेटिव पेयर लेने, तो हमने -8 लिया ये एक नेगेटिव पेयर हो गया, -16 लिया ये भी नेगेटिव पेयर हो गया, और नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, और करना क्या था, माइनस करना था, तो हमने माइनस का निशान बीच में लगा दिया। अब हम देखते हैं क्या हमारा आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो देखते हैं। अब देखिए पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे -8 उतार देंगे, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 16 - 8 करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पर बड़ा संख्या के आगे प्लस का निशान है इसलिए हमारा सम जो है प्लस में आ गया। तो ये हमारा
राइट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा जो हमने पेयर लिया -8 और -16। आपका आंसर बुक से नहीं मैच खा रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी बनाओगे तो गलत नहीं होगा। वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कौन से पेयर लेके अपने सम को सही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट अ पेयर, कोई सा भी ऐसा पेयर लिखिए नेगेटिव जिसको घटाने के बाद 8 आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। ये सवाल है, तो आप कोई सा भी संख्या अपने मन से ले सकते हैं, बशर्ते उसका निशान सही होना चाहिए, साइन सही होना चाहिए, सम सही होना चाहिए, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की ओर। पर बी देखिए, 2 का बी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is -5। यानी कि यहाँ पे हमें एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका हमें जोड़ने के बाद -5 आंसर आना चाहिए। सवाल को समझना है फिर क्वेश्चन करना है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स, एक हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, फिर क्या बोल रहा है, whose sum is -5, जिसका आंसर हमारा -5 आना चाहिए, ये आपका सवाल कह रहा है। तो हमें इस तरह से पहले सम को समझना है, फिर स्टार्ट करना है, -++, -++, -++, -++, ये पता होना चाहिए, आंसर लाना है -5। ठीक है, अब हम अगर सिंपली सोचें कि कितना से कितना जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो देखिए अगर हम कहें कि 3+2 करने से भी तो 5 आ जाता है, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए -5 में, और बशर्ते होना चाहिए कि एक हमारा नेगेटिव होना चाहिए और एक प्लस, एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने ऐसे तो लिख दिया, अब हम करते हैं यहाँ पे -3, क्लियर, प्लस एक पॉजिटिव तो 2 कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारा तो आंसर 1 आ रहा है, यानी कि ये रॉन्ग है। तो अब हमें ऐसा क्या संख्या लेना है कि -5 आ जाए, क्या लेना है, तो अगर हम देखें, सोचे कि हम 10 लेते हैं, तो हमारा क्या करना है, माइनस में लेना है 10 और हमें प्लस करना है, सम बोला है तो प्लस और 5, तो माइनस, तो मान लीजिए हमने -10 ले लिया और +5 ऐसा किया, क्योंकि हमारे वहाँ क्या बोला, सम इज -5, हमारा सवाल क्या था, whose sum is -5, सवाल ये है। तो अब हमें क्या करना है, प्लस करना, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया, और एक संख्या हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने पॉजिटिव में किसको रखा, 5 को रखा। आगे देखिए, हमने एक नेगेटिव इंटीजर्स क्या लिया, -10 लिया, 10 को हमने नेगेटिव रखा, अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो अगर हम माइनस करते हैं 10 में से 5 का, तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 आता है। और यहाँ पे हमारा जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या के आगे किस चीज़ का निशान बना है, माइनस का, तो हमारा 5 के आगे क्या हो जाएगा, माइनस का निशान बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर सही, यानी हमारा ये पैटर्न सही है, -10 एक हो गया नेगेटिव इंटीजर्स और एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, तो ये -10 और आंसर हो जाएगा आपका -10+5 बी का, और ए का आंसर था आपका -8+16, ये आपका ए का आंसर था, -8+16। कैसे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, -8 है और ये, तो हम क्या करेंगे, -++, -16 में से 8 निकालेंगे, 8 प्लस वाला संख्या, इसलिए 8 हो रहेगा आंसर। सेम चीज -++, तो 5 बड़ी संख्या के आगे माइनस करने से -5। अब चलिए सी का आंसर निकालते हैं, तो एक आंसर -8+16 हो जाएगा। कोई भी पेयर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही पेयर हो, आपको अगर कोई और पेयर लग रहा है तो आप दूसरा पेयर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आंसर में दिया है वही सही हो, क्योंकि यहाँ पे अपने मन से भी आप पेयर रख सकते हैं, इसलिए पेयर चेंज आएंगे पर सवाल आपका गलत नहीं हो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। चलिए आगे सी नंबर सवाल करते हैं। सी नंबर सवाल देखिए क्या दिया है, राइट अ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बोला, यानी घटाना है जिसका इंटीजर्स हमारा 3 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक फिर से वही सेम चीज़ है, हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है और जिसको घटाने के बाद यानी सब्ट्रैक्शन के बाद -3 हमारा आंसर आना चाहिए। सवाल पहले हमने समझ लिया क्या कह रहा है, कि एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसको माइनस करने के बाद हमारा 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और पहले वाले में क्या था, जोड़ना था और -5 लाना था, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो चलिए करते हैं सी नंबर सवाल। सी नंबर सम क्या बोला, माइनस करने से 3 आना चाहिए, तो हम अगर देखें 6 -3 करें तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा, लेकिन
यहाँ पे क्या कह रहा है कि सवाल जो हमारा है, 5 - 2 करने पे भी हमारा 3 आएगा, लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे -5 करते हैं और यहाँ माइनस का निशान देते हैं और यहाँ पे +2 करते हैं, तो क्या हमारा आंसर -3 आएगा, करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो -5 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए, 5 में से 2 क्या करना है, अगर घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस हमारा तो प्लस हो जा रहा है, तो आंसर तुम्हारा 7 आ जा रहा है, नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है, और हमें दूसरी संख्या ढूंढना है, तो ये हमारा सही नहीं है। तो हमें दूसरी संख्या कैसे ढूंढना है, हमें क्या करना है कि हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए। तो चलिए हम अब थोड़ा सा सम के दिमाग से सोचते हैं कि 2 + 1 भी तो 3 होता है। तो चलिए लेते हैं, एक माइनस में रखते हैं और एक प्लस में रखते हैं। तो हमने हमने क्या किया, -2 लिया, 2 हमने क्या किया, नेगेटिव इंटीजर्स लिया, प्लस हमारे करना क्या था, डिफरेंस करना, यानी यहाँ भी माइनस होना चाहिए, और हमें एक लेना है प्लस, तो हम 1 को करते हैं प्लस में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हमें क्या कहना है, एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर, और करना क्या है, यहाँ पे घटाना है। तो हमने एक माइनस, एक नेगेटिव इंटीजर्स लिया, घटाने का निशान दे दिया, और एक प्लस का इंटीजर्स लिया, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लिया। अब देखिए क्या करना है, अब हमारा देखिए, अगर देखा जाए, तोड़ा जाए इसको, -2 पॉजिटिव, अगर हमने इसको तोड़ा तो प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, -1 आ गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और हमारा जो सबसे बड़ा संख्या उसके किस चीज़ का निशान है, माइनस का, तो हमारा आंसर आ गया -3। तो यानी कि ये हमारा जो सम है वो सही है, यानी कि सी पार्ट का आंसर होगा -2 - 1 आ जाएगा -3। इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा, ये हमारा किसका होगा, सी पार्ट का आंसर, ये हो गया आपका तीनों का, पहले वाले का -8 + 16, दूसरे वाले का -10 + 5, और सी का होगा -2 - 1। ये हो गया आपका ए बी और सी का सॉल्यूशन 2 नंबर क्वेश्चन का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन का, तब तक के लिए वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय एंड थैंक यू।